हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूमिंग योरसेल्फ मेंस। मैं हूं आपका यार, आपका भाई और आपका ही दोस्त आशीष। और आपको जैसे पता ही है कि मैं इस चैनल पे मेंस फैशन ग्रूमिंग और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूं, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आप अपकमिंग नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और जुड़े रहेंगे ग्रूमिंग योरसेल्फ मेंस के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो किया है या अगर आपने वहां हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, क्योंकि वहां मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर वीडियोज बनाने की 100% कोशिश करूंगा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है समर स्किन केयर रूटीन। या दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। मैं इसे बहुत इजी वे में और कम पैसे खर्च करके कैसे आप अपने समर स्किन केयर को मेंटेन कर सकते हैं, आप कैसे ग्लोइंग और ब्राइट स्किन पा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं वही स्किन केयर रूटीन फॉलो करता हूँ जो मैं आपके साथ अभी आगे इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूँ। तो आप जरूर इस टिप्स को फॉलो करें। इस पे जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है क्लींजिंग का। जी हाँ दोस्तों, हम मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं या फिर नहाने जाते हैं, उस टाइम हमको एक अच्छे से मॉइल्ड क्लींजर या फिर एक अच्छे फेस वॉश जिसमें एसएलएस और पैराबीन जैसे हार्मफुल केमिकल ना हो उसका भी यूज कर सकते हैं आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए, जिससे आपके फेस में जो भी डर्ट और स्वेट वगैरह रहते हैं वो अच्छे से डीप क्लीन हो जाते हैं और आप काफी फ्रेश फील करते हैं। क्लींजिंग आपके स्किन केयर का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, आप इसे कभी भी स्किप नहीं करें। आप दिन में 2 बार जरूर अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। क्लींजिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है टोनिंग का। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये लगेगा कि ये टोनिंग क्या है। टोनिंग एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है स्किन केयर रूटीन का। टोनिंग से आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है। जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, वो प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है और यह आपको काफी फ्रेश भी फील कराता है। तो टोनिंग आपके फेस को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर अपने स्किन केयर रूटीन पे ऐड कर लें। अब बात ये आती है कि आपको कौन सा टोनर यूज करना है और कहाँ से लेना है। आपके पास अगर ज्यादा बजट नहीं है, आप कोई भी टोनर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रोज वाटर का यूज कर सकते हैं, वह भी एक बहुत अच्छा टोनर होता है। मैं इसे मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। अभी मैं जो टोनर यूज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं वो है बायोटेक का कुकुम्बर टोनर। जी हाँ दोस्तों, इसे मैं काफी लॉन्ग टर्म पे यूज कर रहा हूँ, यह कोई पेट प्रमोशन नहीं है, मैंने अपने पैसों से इन्हें खरीदा है। यह एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब टोनिंग के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर का। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, मॉइस्चराइजर एक बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे स्किन केयर रूटीन का। तो बात जब समर की भी हो तो भी आपको मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कितना भी स्वेट या पसीना आए आपको मॉइस्चराइजर को मिस नहीं करना है। आपको मार्केट पे बहुत सारे मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं निविया का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रहा हूँ, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर भी आपको दिन में 2 बार यूज करना है। मॉइस्चराइजर से आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है और जो ड्राई ड्राई आपका फेस जो लगता है ना वो बिल्कुल भी लगना बंद हो जाएगा। जिसको मॉइस्चराइजर आपके फेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करें। अगर कोई मॉइस्चराइजर आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपके फेस पे कोई मॉइस्चराइजर अच्छे से सूट नहीं कर रहा है तो आप एलोवेरा जेल की तरफ जा सकते हैं, वह भी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। मैं नाइट में इसे डेली यूज करता हूँ। आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 2-3 ब्रांड के एलोवेरा जेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एलोवेरा भी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब मॉइस्चराइजर की बात आती है स्किन केयर में स्क्रबिंग। यहाँ लोग वीक में 1 बार स्क्रबिंग जरूर करना है अपने फेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं हमारे नोज एरिया के आसपास जो डेड स्किन सेल्स, व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जमा हो जाते हैं, उनको रिमूव करने में स्क्रब बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आप स्क्रबिंग को मिस नहीं करें। स्क्रब करने से आपके फेस पे जो डर्ट पॉल्यूशन होते हैं वो भी अच्छे से डीप क्लीन हो जाते हैं। तो स्क्रबिंग आपके फेस को ग्लोइंग बनाने और ब्राइट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको वीक में जरूर 1 बार स्क्रब करना चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा 4th स्टेप स्क्रबिंग का। अब हम अपने
फिफ्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, जो आपको उसे भी वीक में करना है, उसे आप रेगुलर बेस में नहीं करिएगा, इसलिए मैंने लास्ट में बता रहा हूँ। आपको वीक में एक बार कोई भी फेस मास्क की तरफ आप जा सकते हैं। फेस मास्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फेस को ब्राइट बनाने में। तो आप बात आती है कि आपको कौन से फेस मास्क यूज करना है। मेरे पास रूप मंत्रा के एक हल्दी चंदन और एक मुल्तानी मिट्टी वाले दो फेस मास्क हैं, मैं उसका यूज कर लेता हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास प्योर चंदन और हल्दी है, उन्हें मैं अपने फेस पे अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से उसका पेस्ट मैं बना के उन्हें घिस के और अपने फेस पे अप्लाई करता हूँ। यह भी एक बहुत अच्छा फेस मास्क है। एक्ने की प्रॉब्लम हो, आपके फेस पे सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई हो, इसे दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरे भी कभी अगर एक्ने हो जाती है, हल्दी चंदन फेस पैक का यूज करता हूँ। आप समर स्किन केयर की बात है तो इन सब चीजों को तो आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मिस कर देते हैं, आप घर से बाहर जब भी निकलें, धूप हो या ना हो, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। यह आपके फेस पे बिल्कुल टैनिंग नहीं होने देता है, क्योंकि टैनिंग एक प्रॉब्लम है आपकी स्किन के डल होने का। तो अगर टैनिंग आपको अपने फेस पे नहीं चाहिए तो आपको सनस्क्रीन का यूज जरूर करना है। मैं न्यूट्रीजना का SPF 50 प्लस सनस्क्रीन यूज कर रहा हूँ, इस वीडियो पे आप देख सकते हैं। आपको अगर ये सनस्क्रीन अच्छा लगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है और कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई जैसी भी स्किन है, उसके लिए यह बिल्कुल परफेक्ट सनस्क्रीन होने वाला है। मैं इसे काफी लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हूँ। आपको मेक श्योर ये करना है कि आप जो भी सनस्क्रीन यूज करें वो SPF 30 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर 30 से कम है तो वह आपके टैनिंग को कुछ हद तक ही रोक पाएगा। और आप अगर काफी लंबे समय के लिए धूप में रह रहे हैं तो आपको बार बार 2 से 3 आवर के बाद सनस्क्रीन को यूज करना है। एक बोनस टिप मैं इस वीडियो पे ऐड कर देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, वो है कि आपको मंथ में एक बार सीप मास्क का यूज करना है। मैंने इसका एक कंप्लीट वीडियो भी चैनल पे शेयर किया है, आप आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं कि उसे कैसे यूज करना है और उसके क्या एडवांटेज हैं। पर मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूं कि उसको यूज करने से आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है और आपके जो फेस सेल्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे आपका जो फेस है वो ग्लोइंग और ब्राइट हो जाता है। तो आप मंथ में जरूर कोई भी सीप मास्क यूज कर सकते हैं। मैं द फेस शॉप का फेस सीप मास्क मैंने यूज किया है इस वीडियो पे, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उनमें से कोई सा ऑप्शन जो आपको पसंद आया आप ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा समर स्किन केयर रूटीन, या फिर बोलें कि आप समर में अपने फेस को कैसे ग्लोइंग और ब्राइट बना सकते हैं। वो इन इजी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करके एक ग्लोइंग और ब्राइट स्किन पा सकते हैं इस समर में भी। और धूप कितना भी हो, आपका चेहरा कभी भी डल नहीं होगा और आप किसी से कम नहीं दिखेंगे। अगर आपने इस बंदे को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, जिससे आप अपकमिंग नोटिफिकेशन को कभी मिस नहीं करेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे ग्रूमिंग और सेल्फ मेंस के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिल जाता है मेंस फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस। तो जरूर चैनल को फॉलो कर लें और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप हेल्दी, स्टे फिट।